अमृतसर के कचहरी रोड से बीती रात चलियां गोलियां दौरान जख्मी हुए नौजवान की इलाज दौरान अज मौत हो गई है, जिसनों अमृतसर के हस्पताल में दाखिल करवाया गया। मृतक नौजवान का नाम नितिश उर्फ साहिल है और वह अपने मापिया का इकलौता पुत्र सी। पुत्र की मौत से मापिया का रो रो के बुरा हाल है। देखो पूरी खबर। अमृतसर के कचहरी रोड विखे बीती रात दो अणपछाते हमलावारों वालों कुछ कार सवार नौजवानों से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई सन, जिस विच एक नौजवान साहिल के बखी विच गोली बजन नाल गंभीर जख्मी हो गया सी। पर जख्मां दी ताब ना चलदियां अज हस्पताल विच उसने इलाज दौरान दम तोड़ दिता। नितिश उर्फ साहिल अपने मापिया का इकलौता पुत्र सी। इस संबंधी जानकारी दिंदियां मृतक के परिवारिक मैंबरां ने दस्सिया कि साहिल साउंड का काम करता सी अते उह अपने दोस्तां नाल कार विच आ रहा सी। रस्ते विच दो अणपछाते हमलावारां ने उन्हां दी कार ते गोलियां चला दित्तियां, जिस कारण अज सवेरे उसदी हस्पताल विच मौत हो गई। उधर जदों इस संबंधी थाणा मुखी अमनजोत कौर नाल गलबात की गई तो उन्हें आख्या कि बीती रात गोलीबारी दौरान जख्मी हुए नौजवान की मौत हो गई है, पर पुलिस वालों हमलावारां की भाल की जा रही है। यार दोस्त ना मतलब कि जोड़े है नाल वो साउंड का काम मतलब होटल के उसे करते हैं, उन्होंने मतलब कि उन्होंने रिपेयर रुपेयर वास्ते मतलब कि लिया के गए हैं रिपेयर वास्ते। जो मतलब कि रिपेयर रुपेयर करके वापसी तो मतलब कि उन्होंने ना अपना रोटी रोटी खाने स्टेशन पर गए हैं। यार दोस्त है नाल चार वे तो आप गए थे रोटी खा के वापस ना मतलब कि स्टेशन तो कचहरी तो सीधा रतन सिंह चौकवान जा रहे हैं। उधर बस रतन सिंह चौक जो एक क्रॉस उधर जा रहे थे उधर कोई मोटरसाइकिल आई बाइक आई कोई उन्होंने मतलब कि फ्रंट साइड से मतलब कि अपनी गोलियां चलानी शुरू कर दी वा जी मतलब कि गड्डी भी डैमेज हो गई है पिछले बोनट भी मतलब कि डैमेज हो गई है गोलियां चलिया कुछ गोलियां मतलब कि दरवाजे के रह गई ने बाकी यह है कि भी जी गोली एक गोली ऐसी हैगी जी वो दरवाजे क्रॉस करके ना ये बखी के वज गए तो दूजी साइड बखी तो उत्थे रुक गई है। रोटी खाने होटल में वो गए हैं तो मतलब बदमाश आए हैं उन्होंने मतलब गोलियां चलानी शुरू कर दिया। बाकी अब रही बात है गरीब आदमी है उनको इंसाफ भी चाहिए और उसका प्यो बेचारा वो ऐसे भी मजदूर आदमी मतलब एक मरिया वांगो बेचारा के गरीब इतना है तो कहने का मतलब उसी लड़के के सारे वो जिंदा सी अकेला लड़का तो सरकार को भी चाहिए कि मतलब उसका जो बद से बद हो सके। दस दिए कि हमले समय कार विच साहिल समेत पांच नौजवान सन। इस दौरान कार विच कई गोलियां बजियां अते एक गोली साहिल दी बखी विच बजी जिस कारण उसकी मौत हो गई, पर हुण देखना होगा कि पुलिस कदों तक हमलावारां नूं फड़न विच कामयाब हुंदी है। एक परसों रात नूं लड़के जा रहे सी गड्डी स्वीप दे जाहिर गड्डी सी इन्हां दे कोल कि इन्हां नूं जांदा जांदा रस्ते च सोवर होटल दे सामने गोलियां मार दित्तियां। हांजी गड्डी मौत हो गई ते हांजी हुण पता लग्गिया डैथ हो गई इत्थे आया पोस्टमार्टम करा रहे हां करवा जा रहे ते कारवाई मैम की कीती जा रही है किन्ना मतलब हो गई है बस भाल की जा रही है दोषी की जल्दी तो जल्दी फड़ के जो भी बनती कार्रवाई अमल चाहिए। अमृतसर तो हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट हमदर्द टीवी।